नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो है भव्य तैयारियां हो चुकी हैं भगवान राम जी के लिए, और बहुत ही सुंदर आज दिन है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। बहुत ही अच्छे, आज सोमवार भी है, मेरा व्रत है, कई लोगों का व्रत है आज। तो दोस्तों मिलते हैं, जय श्री राम। पंडित जी कहाँ हैं? धन्यवाद, आप आए। हो गई है तैयारियां, चल रही हैं। श्री राम का आप इसके इसमें आह्वान भी कर सकते हैं। दोस्तों हवन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सारा सज गया है। हवन होने वाला है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और पूरी तैयारी हो चुकी है हवन की। जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बताइए कुछ प्रोग्राम के बारे में। पता ना, यही है बस, खाली ये राम प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। अयोध्या जाना अभी संभव नहीं था, तो यहाँ पे सब सोसाइटी मिलके ये प्रोग्राम करवा रही है। सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और सबसे बड़ा सहयोग आपका मिल जाता है कि आप हमारे को हौसला देते हो कि भाई आप बोलो कुछ, हमें तो बोलना ही नहीं आता था। ठीक है ना, आज ये पहले हम हवन करवाएंगे, उसके बाद शाम को दीप महोत्सव है और प्रसाद वितरण होगा, तो इसी में सब निवासियों का हम स्वागत करते हैं कि वो आके इसमें सहयोग करें हर तरह से और प्रोग्राम को सफल बनाने की चेष्टा करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जैसा कि सबको पता है पूरे देश में हमारे 22 को राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी हिसाब से हम किदवाई नगर वालों ने भी एक छोटा सा आयोजन, जिसमें हमारा मन बहुत प्रफुल्लित है, खुशी है, और ये कई सालों तक, कई वर्षों तक ऐसा सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है कि आज के दिन हर्षोल्लास और दीपावली से भी बड़ा दिन मनाया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस एक मन से हम जो कार्य कर रहे हैं, ईश्वर हमारे उस कार्य को सफल करे और श्री राम की जय जयकार पूरे विश्व में गूंजे, यही हमारी सभी भक्तों से प्रार्थना कि सब आज के शुभ दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्य है, इस पे हवन का बहुत बड़ा उपयोग है। हवन की जो क्रिया होती है हर शुभ कार्य में प्रारंभ होती है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है और ये बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पंडित जी करा रहे हैं और हम सब लोग हवन कार्य से शुरू कर रहे हैं ताकि ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें हमारा भी सहयोग रहे। और हम चाहते हैं ये इस प्रक्रिया में यहाँ के टाइप 2 और टाइप 3 के जितने भी निवासी हैं वो आके एक बार इस प्रक्रिया में अपना श्रद्धा सुमन प्रकट करें और एक आहुति उनके तरफ से सबको देनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम जी। आज का आस्था का सबसे बड़ा दिन है, श्री रामचंद्र भगवान अपने महल में आ रहे हैं और इससे बड़ी खुशी क्या होगी, हमारी दूसरी दिवाली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सबको विदित है कि अयोध्याविलास भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है और उसी के उपलक्ष्य में हम आज किदवई नगर में हमने हवन रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरा देश हमारा राममय हो और उन्हीं के हम जो उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलें और सभी लोग उसी से आगे चल के अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये दो जो है बाकी जितनी मामला कार्य है उसमें औरत मैडम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं आपकी, दोनों में जो है ये गांठ बंधी है, पैसा देना थोड़ा, पैसा नहीं अच्छा से काम चल जाएगा, बैठ जाओ। ना ना देना पड़ता है, पंडित हैं आप? ना ना ऐसा नहीं। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादे न धन धान भेदे बाधा तो शत्रु विनाशने नम
दादा तु दानम विपुलम धनायो दीर्घायु आयुष्मान। बस दो ही हैं, दो ही हैं। ओम पवित्र पवित्रो वासस्तंगस्मे पुंडी काक्ष सव्याभ्यंतर श्री पुनात पुंडली काक्ष। जल में दूंगा, आप लोग ओठ को टच करिएगा। तीन बार जो है जल क्यों करते हैं, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण है। जब कभी भी पूजा कार्य हम करते हैं, बड़ा डोंगा लिया हो, बड़ा डोंगा लिया उसे हो जाएगा, कोई भी अक्सर रख दो है वो भगवान को क्या जो है अर्पण रख दो सर। इसलिए पहले जो है कोट को टच करिए, वो माधवाय नमः, उधर भी सबको दे दीजिए। नहीं नहीं आप एक आदमी को करना ही पड़ेगा, तो कितना दूर नहीं जा सकते। चिंता मत कीजिए, मैंने इस चीज के लिए पंत जी को रखा ना। पंत जी कहाँ गए? ओम माधवाय नमः, हो गया। दूसरा बार दीजिए, तीन बार देना है। ओम माधवाय नमः, दो तीन हो गया है। ओम केशवाय नमः, एक बार और दीजिए। हाँ जी, बैठो। ओम नारायण नमः, तीसरी बार जो है पहले हाथ पहले पवित्र हुए अंत आइए भैया, गोपी वस्त्र परिवेष्टे विजयते गोपाल चंदनम महत्पूर्ण पवित्र पापनाहर्तम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा आयुष्मान भव दीर्घायु भव। शस्त्रले कौस्तुभे नासाग्रे परमत्तकम् कर्तव्येणु कंकणे शरभंगे हरिचंदनम् कावली गोप्य वस्त्र परिवेष्टे विजयते गोपाल चूड़ामणिः। ओम कस्तूरी ललाट पटले बक्षस्थले कौसुभे नासाग्रे परमत्तकम् कर्तव्येणु कंकणे शरभंगे हरिचंदनम् कंठे च मुक्तावली गोप्य वस्त्र परिवेष्टे विजयते गोपाल चूड़ामणिः। राजेंद्र सर आप भी बैठ जाओ, ये नमो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल केन्त्वान बन्नामि रक्षे माचल माचल मंगलम भगवान विष्णु ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि आयुष्मान भव दीर्घायु। बाएं हाथ दीजिए मैडम, बाएं हाथ आप लगा दो। ये नमो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल केन्त्वान बन्नामि रक्षे माचल माचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणा ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गंगाजल भर दीजिए, हमारे पास गंगाजल है, लेके भी आया हूँ। तो वही वाला आ गया भाई, जय श्री राम। चलिए सबको हो गया, सबको जो है हो गया। सुबह जी इधर आइए,
धागा तोड़ के फिर बांधो, धागा तोड़ के बांधो, मेरे क्या फूल दे दीजिए। संकल्प क्या होता है? संकल्प मतलब कि प्रोमिस करना। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी ब्राह्मण जो कोई भी कार्य करवाता है तो संकल्प इसलिए करवाता है कि हम अपनी जगह से तब तक जो है नहीं उठेंगे जब तक कि पूर्ण जो है भगवान का पूजन नहीं कर लेंगे। यही हमारा संकल्प है। तो आज का संकल्प जो है हम कर रहे हैं सर्व कल्याण, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, उस भावना से हम संकल्प मंत्र बोलेंगे। आप लोग थोड़ा सा प्लीज जो है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, थोड़ा सा शांति जो है। ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः, श्रीमद् भगवते विष्णु नागत पर्वतमान से द्वितीय प्रादे श्री सुय द्वारा कल्पे कली युगे प्रथम चरणे भवता अवतारे जम्बू दीपे भरतखंडे आर्या बतन धरते मासा नाम मासे मार्ग पौष शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ। अपना अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, अपना नाम बोल लीजिए, अकेले हैं तो अकेले के लिए सपरिवार। सकल कल्याणार्थम सर्व मंगल मंगले पुत्र पौत्र आदि वृद्धि धन्य धान्य वृद्धि सकल कल्याण श्री रामचंद्र स्थापना दिवस नित्य हवन करिष्ये तदैव लग्नम निविघ्न सिद्ध्यर्थ गौरी गणेश पूजनम करिष्ये तदैव लग्नम नवग्रह आदि देवानाम मंत्र पूजनम करिष्ये। वही पर सामने छोड़ दिया, यही छोड़ दे। आपने संकल्प किया कि सभी के कल्याण के लिए धन्य हम जो है नित्य हवन करेंगे, इसके उपरांत गौरी गणेश का पूजन करेंगे और मंत्र से नवग्रह का पूजन करेंगे, बेटी बना के नहीं करेंगे, मंत्र से नवग्रह का पूजन करेंगे। ये बाद में देना, यहाँ पर हम सुपारी पर तो मन से सबसे पहले मैं आपको जैसे बताया था आप लोगों को कि जो व्यक्ति अतिथि की सेवा करना जान जाएगा वो व्यक्ति पूजा कर लेगा। तो फेंके मत, इसे फेंके मत, ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, पास हो गया सबको, उनको बुलाने के लिए सबको मटेगा। फिर वहाँ पर लाइट से जाते हैं, इसके बाद से जो भी अपनी इच्छा होते हैं उनको सामने भोग करते हैं। ठीक उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, भगवान गणेश को आह्वान करेंगे, उनके लिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मन से ध्यान कीजिए आप लोग। लंबोदरम महाकाय गजवत्रम चतुर्भजम आवायाम गणेशम सिद्धिदायक ओम गणेशाय नमः आवायामि अस्थाप्यामि पूज्यामि मम पूजा गृहम ओम गणपते नमः। अब ये देखिए, आप ये सुपारी लेकर के यहाँ पर रख दीजिए, बाकी लोग उसके सामने छोड़ते जाएंगे, आप फूल छोड़ दीजिए। आप लोग सदा भवानी सामने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिले रक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। हमेशा गणेश जो है सर्वप्रथम पूजा जो है प्रथम रख करके दाहिने अंग में भवानी, इसके बाद से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पांच देव हमें जो है पंचदेव बोला गया। जब भी कोई पूजन किया जाएगा इस पांच देव का हवन और पूजन अवश्य होगा। चलिए आप लोग के पास फूल थोड़ा सा पहुँच जाए, एक आदमी कोई बांटने वाला सेवा करने वाला मिल जाए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसेद माता जगतो अखिलेश प्रसेदम विशेश्वरी पाहिबेश्वम तमाश्वरी देवी चराचरस्य जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वा सुधा नमस्तुते हेमांदितनया देवी वरदम संकरम प्रियायम
लंबदर्श जननी गौरी मा आवायामि, ओम गौरी देव्यो नमः आवायामि, स्थापयामि, पूजयामि मम पूजा गृहम, ओम गौरी देव्यो नमः। तीन बार जो है प्राण प्रतिष्ठा दीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा मन से जो है आप देते रहेंगे, जो जो जनमान पूजा करेंगे और इसके बाद से जो है मन से हम ऐसे हाँ मन से प्रतिष्ठा। ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, तीन बार जल जाए। अब जैसे किसी को घर पर बुलाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पाद्यो अर्घम समर्पयामि, पैर धुलाइए, हस्तो अर्घम समर्पयामि, आचमन जलम समर्पयामि, तदो उपरांतम शुद्धोत्कम स्नानम समर्पयामि। अब जो है दिव्य स्नान हमारे जो है वेदों में दिया गया है कि पंचामृत से स्नान किया जाता है, उसको दिव्य स्नान बोलते हैं। ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, दिव्य स्नान तम पंचामृत स्नान समर्पयामि, पंचामृत तीन बार छोड़िए, तदो उपरांतम शुद्धोत्कम स्नानम गंगा जल, तदो उपरांतम शुद्धोत्कम स्नानम समर्पयामि। स्नान हो गया, पूजन हो गया, तो अब दिव्य आसन देना पड़ेगा। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, अनेक रत्न मणि युक्तम दिव्य आसनेर्थम पुष्पम अचतम समर्पयामि। हाथ धुला दिए, पवित्र कर दिए, स्नान कर दिया, अब आसन हो प्रभु को। जब आसन पर बैठा दिए तो सुगंध होना चाहिए और दीपक जलने के दीपक जलाइए, श्रोताद व्यायुष मुखाद अग्नि रजायत ओम साजम च वर्ति पंजन संयुक्त भट्टिनो योजना, ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, दीपकम समर्पयामि। अगरबत्ती आप लोग दो जला सकते हैं सबको, सही बात है, अलग से जला इधर देना, हाँ देते हैं। दुर्गा तो दुर्बार नहीं चढ़ता है, भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ता। भगवान विष्णु को अक्षत क्यों कहा जाता है, ये सफेद नहीं ये पीला करके जो है, भगवान शंकर के चलते हैं, तुलसी मंजरी के साथ चलती है, तुलसी हेम रूपा चल रत्न रूपा मंजरी भव मुख चल चलिए दिखाइए। ओम वनस्पति रस ढो गंधो ढयो गंधा उत्पन्न अग्र देवा नाम धूपाया प्रतिजेता, ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, धूपा प्याम समर्पयामि। ये केला लेते हो बाबू, ना नहीं चाहता ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, पुष्पम च पुष्पमालाय समर्पयामि, फूलमाला को इशारा कर दिए पहनाया हुआ है। ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, पुष्पम च पुष्पमालाय समर्पयामि, श्रीखंड चंदनम दिव्य गंधादनम सोमनाहनम विलेपनम सुचंदनम प्रतिगृहीतम, ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, चंदनम विलेप्यामि। देखिए अब चंदन का तीन मंत्र आ गया, एक पहला मंत्र बोला था आप लोगों को टीका लगाया था, तो कस्तूरी ललाट पटले बक्षस्थले कौसुभ नासाग्रे बरभक्त कम करतल वेणु कंकड़े शर्मंगे हरिचंदनम कंठे च मुक्तावली गोप वस्त्र परिवेष्टे दियते गोपाल चूड़ामणि। दूसरा बोला था चंदन समर्पूर्णम पवित्र पावनासम आद्य हरतम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा, को लगाते हैं तो श्रीखंड चंदनम दिव्य गंधादनम सुमनहनम विलेपनम सुचंदनम प्रतिगृहीतम, ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः, चंदनम सिंदूर हो गया तो माता को सिंदूर आप चढ़ाइए उनको दीजिए, सिंदूर है इधर और उसी पत्ते से लेकर जाइए। ओम गौरी देव्यो नमः सिंदूरम प्रतिगृहीतम। भाई लाइए डब्बे लाइए, अब अभी जरूरत पड़ेगी जो नहीं तो भाई रसगुल्ला दे दो देना जी भाई, समर्पयामि भगवान गणेश को दुर्गा के साथ। सुनील
डूब क्यों पूछ में पानी कामदेव को बुला रहा है अभी ले हमेशा मंगल प्रदान करता है इसीलिए जब भी कोई कार्य होता है तो दुर्भाग्य जो आप लोग का जो है हम घाट छोड़े उसको आपको डाले हैं अक्षत डाले हैं द्रव्य डाले हैं और इसके डाल करके जो है और ये कहा गया है जिसमें आप सातों वचन लेते हैं उस समय भी कहा गया है कि जब भी कोई मंगल कार्य करेंगे तो आपको बैठेंगे ये इसके बाद से भगवान को निवेदन करेंगे एक आदमी फल भी ले लीजिए इधर अखंड ऋतु फलम सहित नैवेद्यम प्रतिगता ओम गणेश अंबिकाभ्यो नमः भगवान को टच कर दीजिए सारा कर दीजिए दादा भाई या फिर वो पानी भर के वो ला दो ट्रांसपेरेंट इतना तो नहाने की है तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा मंजलि तुलसी पत्रम च तुलसी मंजरी समर्पयामि तज करा के प्रसाद में डाल दीजिए अब भोजन हो गया तो इसके उपरांत जो है हम जो है मुख शुद्धि भी कराएंगे जल पले सर्वतीर्थ समायुक्त गंगा निर्मल जले आचमन में दादा कृताम परमेश्वर ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः मध्य आचमन जलम समर्पयामि तीन बार हेलो लोटा मतलब ना बाल्टी बाल्टी ले ओम गणेश अंबिका भ्यो नमः तांबुलम निवेद्यामि तांबुलम उपरांत आचमन जलम समर्पयामि जल जब मुख टच हो जाएगा तो आचमन का सब कुछ दे दिया तो अब हम जो है मंत्र पुष्पांजलि हम इनसे प्रार्थना करेंगे फूल बांटिए साहब को सबको अच्छा है फूल फूल है थोड़ा थोड़ा देते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाग विभूय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भारतीनाथम प्राय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तं प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते भक्तं प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते ओम नमो स्वतंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशुरोरिभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारणे नमः सहस्रकोटि जुगधारणे नमः ओम गणेश अंबिकाभ्यो नमः कृत्याय पूजाय प्रार्थना पूर्वक नमस्कार स्वीकार करो मैं भगवान गणेश के पास छोड़ दीजिए नाना सुगंध कलोल भवानी जब पुष्पांजलि ने मैं जता के हार परमेश्वर मन से मैं बोला था आपको अब भगवान गणेश का पूजन हो गया ठीक है ना इसके बाद से वरुण आदि देवता को जो कलश रखे हैं तो लोग बोलते हैं कभी कभी पंडित जी कलश स्थापना पहले होने चाहिए या जो है गणेश पूजा होनी चाहिए क्या करते हैं कि आप देखते होंगे कि आप लोग से पहले ही सर्वप्रथम में उसके अंदर जो है मिट्टी डाला अक्षत डाला जौ डाला वहाँ पर और उसके बाद से जो है उसमें जितने भी हमारे देवी हो उसमें कहा जाता है कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्रमाचित मूल्य तो स्थित ब्रह्मा मध्य मातृगणस्मृत तो ये सभी देवताओं को हम कलश में आह्वान करते हैं क्योंकि सभी 33 कोटि प्रकार के देवताओं को हम यहाँ पर बेदी नहीं ठीक है ओम भू स्व वरुण आदि आवाय देवता भ्यो नमः आहनेर्थम पुष्पम अक्षतम समर्पयामि ये कहीं मंत्र में सबको एक साथ ले लिए आह्वान कर पाद्यो अर्घम समर्पयामि ओम वरुण आदि देवता भ्यो नमः पाद्यो अर्घम समर्पयामि हस्तो अर्घम समर्पयामि आचमने जलम समर्पयामि तदोपरांत शुद्धोत्तम स्थानम समर्पयामि ओम वरुण आदि आवाय देवता भ्यो नमः पुष्पम च पुष्पमालाय इशारा कर दीजिए पुष्पम च पुष्पमालाय समर्पयामि दीपक भी इशारा कर दीजिए
ओम चंद्रमा मनसो जायत सो सूर्यो जायत सोता व्याय सो मुखाद अग्नि जायत ओम वरुण आदि आवाज देवता भ्यो नमः दीपम दर्शयामि। अगरबत्ती भी दिखाइए हाथ से। ओम वनस्पति सभी वनस्पति रसो गंडो देवाना धूपायाम प्रतिपाद ओम वरुण आदि आवाज देवता भ्यो नमः धूपाभ्याम समर्पयामि। अगरबत्ती हो गया और नैवेद्य में थोड़ा सा जो है ये चीनी जो है छोड़िए दिल्ले करके डालिए उसको। ओम वरुण आदि आवाय देवता भ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। इच्छार्थम भूतम तभी छिड़गतानि च आहारम भक्ष्मोजम नैवेद्यम प्रतिगतां तदोपरांतम आचमन जलम समर्पयामि। जो पहले यहाँ संकल्प किया था उसको कल करने का फिर अभी करेंगे। थोड़ा सा समय आप लोग देंगे तो पूजा में मजा आएगा, ठीक है? इसके बाद हवन कर लेंगे। मुख बार से तम इलाल अलौंगम पुंगी फलम सहितम तांबुलम प्रतिगतां ओम वरुण आदि आवाय देवता भ्यो नमः तांबुलम उपुरांते आचमन जलम समर्पयामि। हाँ प्लॉट भी लगे भैया, हमारे पास जो कम पड़ जा रहा है। स्थापना हो रही है वहाँ पर भी कई नौकरा ऐसे हैं कि डेली कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि एक बार माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि हे प्रभु बताइए कि राक्षस कौन है। बोले राक्षस कोई बाहर से नहीं है, हमारे मनुष्य में से ही राक्षस है। बोले कैसे हम पहचान करेंगे? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा कतेता कहीं पर धन पर दारा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा जिनके यही आचरण भवानी अब नहीं जाना हो निश्चर सम प्राणी। बिहार नौगुण जो है यदि किसी भी मनुष्य के अंदर है तो वही राक्षस है। तो ये जो हमारे वक्तव्य दे रहे हैं वो भी उसी में आते हैं। तो नौकरा है, नौकरों को हम शांति के लिए करते हैं, तो उनको मंत्र से जहाँ तक बोले थे तो हम मंत्र से ही पूजन करेंगे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुणांतकारे भानो सचिन सुतो बुधाचा गुरु शुक्रास निराहो केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहाय अनुकूला भवन्तु। सूर्य हरे तम कष्ट करे कम चंद्र बड़े मुद मंगल कारे बोधे पवित्र करे नित बोध ज्ञान बढ़ाव गुरु मंगल कारे सूचि जीवन सदैव करे शुक्र शोक हरे शनि रवि दिष्ट निहारे राहु करे गति केतु करे मति दिव्या। आप लोग सामने छोड़िए। हाँ वही पर ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः पादो अर्घम समर्पयामि। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः पाद कोई बात नहीं, आवाज में मेरी उतनी ताकत नहीं है। इसकी क्या कहे ये ब्राह्मण की आवाज में ताकत है। तो अर्घम समर्पयामि आचमन जलम समर्पयामि। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः पुष्पम च पुष्पमाला यह समर्पयामि। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता उपरांत आचमन जलम समर्पयामि। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः मुख शुद्धि तांबुलम इला लौंगम पुंगी फलम सहितम तांबुलम प्रतिगतां तांबुलम उपरांत आचमन जलम समर्पयामि। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः दीपम दर्शयामि। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः धूप अर्पयामि समर्पयामि। हाथ जोड़िए नवग्रह के लिए। ओम नमो स्वदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाधि शिरोरिवाहवे सहस्रनामृताय शाश्वते सहस्रकोटिजुगधारणे नमः सहस्रकोटिजुगते नमः। अब जो है भगवान की पूजा के लिए आप लोग दोनों आदमी उठिए चलिए।
यहाँ पर पूजा का सभी सामान लेके चलिए। अच्छा बोलो कैसे बारे में भगवान राम के विषय में क्या बनाता हूँ, अनंत है, जिसके विषय में हम जो है सोच भी नहीं सकते हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति है उसी को लोग काल्पनिक कह रहे हैं। आज भगवान राम हमारे यहाँ जो है 500 सालों के बाद से जो उनको घर मिल रहा है, इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। और क्या कहूँ, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भांगम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम शेषम विश्वाधारम जगत्सदीशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलेनम जोगिनिद्यानगम्यम वंदेह विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेकनाथम ओम नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः प्रभु गोविंदाय नमो नमः वासुदेव सुतम देवम कंसचारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु प्रभु कृष्णम वंदे जगद्गुरु ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः ध्यानार्थम आसनार्थम पुष्पमचतम समर्पयामि। फिर उसी तरह से जल छोड़िए, सब पर छोड़ते जाइए। ओम श्री मन्नार भ्यो नमः पाद्यो, आराम से पाद्यो अर्घम समर्पयामि, हस्तो अर्घम समर्पयामि, आचमन जलम समर्पयामि, तदो उपरांत सुधोत्कम स्नानम समर्पयामि। तीन बार हो गया, पंचामृत स्नान कराइए। ओम श्री मन्नार भ्यो नमः पतनानम समर्पयामि, दिव्य स्नार्थम समर्पयामि, सब पर जाए, सब मूर्ति पर जाए, तीन बार। ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः सुधोत्कम स्नानम समर्पयामि, गंगा सरस्वती रेवा पयोषणी नमदा जले पितो स्नास्मय देवो शांति कुशमे हो। ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः सुधोत्कम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध स्नान करिए गंगा जल। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोषणी नमदा जले पितो शांति सरस्वतीभ्यो नमः, स्नान हो गया। आसन आसनेर्थम पुष्पम अक्षतम समर्पयामि, रंग बजा दो एक बार कोई फूल। ओम श्री मन्नार भ्यो नमः पुष्पम च पुष्पमाला समर्पयामि, दीपक जलाइए। तो के साथ तुलसी माला भी पहनाया जाता, ठीक है, इस बार नहीं बेहतर। इच्छार्थमुतम दधिक्षीरघृतानि च महारम्भ भोजन नैवेद्यम प्रतिगताम, ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि, च अखंड ऋतु फलम समर्पयामि, फल स्वयं ध्यान वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पयामि, ध्यान सुख भुक्ता प्रसिद्धम परमेश्वर। ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः नैवेद्यम निवेद्यामि, अखंड ऋतु फलम नैवेद्यम निवेद्यामि, सर्वतीर्थमाय उक्ते गंगा निर्मल जले आचमन में तथा गीताम परमेश्वर, ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः आचमन जले समर्पयामि, ओम श्रीमन्नाभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार स्वीकार करोमि। ओम श्री राम भद्राय सदरबार आवायामि स्थापयामि, सभी राम दरबार को प्रणाम कर लीजिए। जब भगवान की पूजा होगी तो दास की पूजा होगी, सेवक की पूजा मनोज शरणं प्रपद्ये अतुल्य तबल धामम हेम सैयाव देहम संज्ञानी नाम अग्रदेयम सकल गुण निदानं मानना दीशम रघुपति प्रिय भक्तम पाच जहां। जय श्री राम। भगवान को लाल फल पसंद है, हनुमान जी को लाल फल पसंद है, समर्पयामि।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं शुरू कर रही हूँ, एक बार पंडित जी जोर से नारा लगवा दीजिए ताकि आप लगवाइए, आप लगवाइए, आपकी आवाज में अलग ही बात है। प्रेम से बोले सिया बरा राम चंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम की जय। बहुत बढ़िया। ओम भोजरा जय श्री राम, एक गज सन्मुख सन्मुख, ओम अग्ने नमः आवायामि अस्थापयामि पूजयामि मम पूजाम, ओम अग्ने नमः। यहां पे छोड़ दो, सही बताया आपने, सही बताया। ओम अग्ने नमः आवायामि अस्थापयामि पूजयामि मम पूजाम, ओम अग्ने नमः। अरे बाहर रखिए, अग्नि का स्थापना करके बुला दिए। जो है जितना हवन सामग्री है उसको थोड़े थोड़े भाग में कीजिए आप लोग, तीन चार खाली में।